का उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी सुबह एक परेशानी हुई गाड़ी में, फिर से गाड़ी में मेरे से बहुत सारा काम कराना, लेकिन अभी दिक्कत ऐसी हुई कि गाड़ी चल नहीं पाई अच्छे से। तो मैं अभी दिखाता हूँ क्या दिक्कत हुई है, और ये दिक्कत मुझे पहली बार नहीं हुई, ये दिक्कत मुझे दूसरी बार हो रही है, और उसमें अभी बहुत सारा काम कराना, बहुत सारा। आज पूरा बताता हूँ गाड़ी में कैसा हुआ था, कैसा क्या काम, मतलब मेरा एक्सीडेंट कैसा हुआ था, गाड़ी में क्या क्या कराना है, सारी चीज़ें बताता हूँ। चलते हैं नीचे, नीचे खड़ी है हमारी गाड़ी अभी। पहले तो उसमें लेकिन ये काम कराना पड़ेगा, उसका जो क्या हुआ है कि जो गियर की जो स्प्रिंग होती है ना, गियर जो डलते हैं, वो पिछली एक वीडियो और डाली है मैंने इसके ऊपर ही। सो आज चलते हैं गियर के स्प्रिंग डलवाने के लिए। पिछली बार बहुत टाइम लग गया था, इस बार पता नहीं अभी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बॉस अभी बच्चों का ढाई शायद हो पाए या फिर नहीं भी हो पाए, जो भी हो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके गियर जो है बहुत टाइट डल रहे हैं। मतलब यानी जैसे ऊपर करोगे तो ऊपर अटक जाएगा, नीचे करोगे तो नीचे अटक जाएगा, मतलब यानी थोड़ा सा अपन को एक्स्ट्रा पुश करना पड़ रहा है गियर डालने के लिए, या न्यूट्रल करने के लिए, डाउन करने के लिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है। अभी दिखाता हूँ आपको क्या दिक्कत है। एक तो साला शोल्डर बड़ा दर्द कर रहा है यार, तो कल परसों दिन शोल्डर लपक लगा लिए, लाइट नहीं थी जब मैं भयंकर शोल्डर लगाए। सुबह चलते हैं, बताता हूँ मेरी गाड़ी में क्या दिक्कत हुई है अभी। अभी मौसम बड़ा सटीक हो रखा है, अच्छा लग रहा है मौसम, लगाते हैं ताला और चलते हैं। फिर तो गाड़ी दिखाता हूँ कितनी गड़बड़ है। अरे आ जा भैया, हवा चल रही है ना इसलिए। मौसम देखो, ये देखो मौसम बड़ा सही है यार। मतलब ऐसा है कि उमस हो रही है और मौसम ठीक है, उमस हो रही है, उमस। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, एंड इसकी पहली दिक्कत तो आपको बताता हूँ कि ये हो चुका है कर्रा वाला नुकसान। ये देखो आप, सो ये हो चुका है कर्रा वाला नुकसान। इसका जो है मास्क भी गया है, माँ लिखा जिस पर मेरी माँ ने दिलाई है गाड़ी, और इसका ये हेडलाइट भी जा चुका है। ये देखो ये जा चुका है, ये टूट चुका है, समझ में नहीं आता क्योंकि ये टूट चुका है, ये पूरा जा चुका है, और ये मीटर भी जा चुका है इसका, ये चिटक चुका है यहाँ से, तो ऑलमोस्ट ये पूरा बदलाएगा, ये पूरा चेंज होगा। और ये ब्रेक का जो है, ब्रेक का जो ऑयल है पूरा गिर गया है। ये ब्रेक ये है कि ये गियर की जो स्प्रिंग होती है अंदर की, वो ख़राब हो चुकी है। ये देखो लो, ये ऊपर ही नहीं आ रहा अब, ये देखो क्लच पकड़ के भी करूँगा तो ऊपर ही नहीं आएगा, वो फंस रहा है गियर। ये देखो बहुत पुश करना पड़ता है, ये फंस रहा है गियर, इसकी स्प्रिंग ख़राब हो गई है। और ये पहली बार नहीं हुई, दूसरी बार हो रहा है, पहली बार की वीडियो जो मैंने डाल चुका हूँ। और इसका टायर जो है वो भी जा चुका है, सो बहुत ज़्यादा खर्चा है अभी तो। चलो ये तो कराते हैं पहले, असफलता ही हाथ लगी है, मेरा काम जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, वो इटारसी में होगा। तो इटारसी में अभी बज रहा है 3, इटारसी अभी मैं जा नहीं सकता, क्योंकि इटारसी अगर मैं जाऊँगा अभी तो वो मेरा काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि लेट हो जाऊँगा मैं। 2-3 हज़ार दिक्कतें और एक सोल्यूशन। चाय पीते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपको। आज हम लोग जाएंगे वैसे KGF देखने, KGF Chapter 2। स्वामी अपन कहाँ पर थे? हाँ, मैं गया था कहाँ, इटारसी KGF देखने, 14 तारीख को सेकंड शो। तो वहाँ पर का साउंड ज़्यादा अच्छा नहीं था, और ना ही AC था, गर्मी लगने लगी थी वहाँ पर, सोचो गर्मी लगने लगी थी वहाँ की। सिर्फ सीट अच्छी थी और पर्दा अच्छा था। और मीनाक्षी का सीन ये है कि मीनाक्षी में साउंड ऐसा है कि कुर्सियाँ हिल जाती हैं, बहुत ऐसा साउंड है, कुर्सियाँ हिल जाती हैं साउंड से, कुछ और से नहीं, कुर्सियाँ हिल जाती हैं साउंड से, और AC भी बहुत ज़ोरदार है, ठंड लगने लगती है बॉस। तो फिर चलते हैं, अब वहीं शूट करूँगा थोड़ा बहुत। कर सनातन सनातन आदि अनादि। सो गाइस पहुँच चुका थिएटर, बड़ा ही गोरा दिख रहा हूँ इस लाइट में तुम्हें। ये है हमारा अधीरा और ये सेकुलर का होदा, और ये है राजेश भाई। कभी वीडियो ओ समझ गए हम क्या कर रहे हैं। आर्टू भाई, भाई इधर मेरे पास है, ये है भैया अपना, कौन सी सीरीज है, सी सी ये सी। और अपन को हर बार यही मिलती है वाली सीट है ना, अंधेरे में कुछ देखेगा नहीं तुम लोगों का भी। मेरा कहाँ की है? राइट। एक मिनट, मेरी कितनी है? कितनी है आपकी? सी 10 सीट है। 28 वर्सेस सुनीता की मौत, अब इसे कम करते देख ले। अच्छे भाई को बताएंगे, भेज देना भाई, DM कर देना। हाँ ना, अक्षय को DM कर देंगे, सही कह रहा है। क्या बोल रहा था मैं, ये इस पे क्या लिखा, स्वस्थ भारत। उसे तो बोल रहा था इंटरव्यू मारे तेरे को, ये बाप रे। वैसे सेकुलरिज्म का कैंसर ही बहुत तेज फैल रहा है।
कोई बात नहीं।